देखिए, अपने गुरु को याद कर, अपने बचपन के बिताए दिन को याद कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए और इस वक्त अपने परिवार के साथ भी वो मौजूद हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेश, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर हैं, किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ जानकारी? देखिए, जानकारी जो है वो साझा कर दूं दर्शकों को, क्योंकि उत्सुकता है उत्तर प्रदेश के दर्शकों को कि आखिर उनके मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए हैं, अपने घर आए हैं, तो आखिर किन से मिल रहे हैं। वो माँ के साथ बैठे हैं, अपनी बहन के साथ, अपनी बहनोई के साथ, अपने भांजियों के साथ, और उन भांजियों से मेरी मुलाकात भी कल हुई थी, बहन से भी मुलाकात हुई, उनके गाँव में भी गया था मैं। बहुत ही सरल सहृदय ये पूरा परिवार है और बहुत ही सादगी भरा है। आज मैं उनके घर भी गया था प्राची, आपको मैं बताऊं, और प्राची उनके घर जाकर उनके भाई शैलेंद्र से मैंने मुलाकात की थी। कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैं अंदर गया, मुझे जलपान भी कराया गया, वहां की साज सज्जा को भी मैंने देखा, तंबू कनात भी लगे हुए हैं, टेंट लगा है, क्योंकि गांव के आसपास के लोग भी खाना खाने वहां आएंगे। और कल बताऊं कि जो उनके सबसे छोटे भाई हैं, उनके बेटे का मुंडन संस्कार है। पहाड़ में ये संस्कार बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है, और खुद जब योगी, खुद साधु, खुद महंत उनके भाई हैं, तो ये संस्कार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ का जो मुंडन संस्कार होता है उसमें सबको बुलाया जाता है। तो जो गांव के आसपास के लोग हैं, उनके भाई का मुझसे कहना था कि हम लोगों ने सोचा कि इसे बहुत छोटा कार्यक्रम बनाया जाए, लेकिन जैसे ही योगी जी यानी महाराज जी के आगमन की खबर आसपास के गांव को पता चला, उन्होंने कहा कि ये छोटा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं घर गया, बहुत ही साधारण सा घर है, उनकी माँ को भी देखा, उनकी बहनों को भी देखा, आपके माध्यम सभी ने देखा कि आखिर किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, यही मैं कह रही हूँ कि आपके माध्यम से हम सब ने देखा, और साथ ही साथ यूपी के जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है, किस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। वीरेश, क्योंकि स्वागत और उत्साह तो होना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक योगी, एक महंत अपने घर आया है, और घर जो पूरा उत्तर प्रदेश है उनके लिए, पूरा देश है, पूरा समाज है, क्योंकि वो योगी हैं, वो महंत हैं, लौकिक जीवन से वो कट चुके हैं, आध्यात्मिक जीवन में हैं, लेकिन लौकिक जीवन को संवारना उनका काम है, क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में ये व्यक्ति अगर अपने घर पहुंचा है, अपनी माँ के पास पहुंचा है, कोई महंत हो जाए, कोई योगी हो जाए, माँ माँ ही होती है, माँ के लिए बेटा ही होता है, बहुत ही भावुक क्षण है। और साथ में आपने देखा, आपने अभी दर्शकों को भी दिखाया।